हेलो एंड वेलकम टू कारखाना। दोस्तों मैं हूं क्रिश और आप जो सामने आज गाड़ी देख रहे हैं ये है टाटा टियागो और ये इसका सीएनजी वेरिएंट है, एक्सटी वेरिएंट है। इस एक्सटी वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ बातें करेंगे, इसकी प्राइस रेंज की भी बात करेंगे और देखेंगे इस गाड़ी को लेना आपके लिए कितना सही है या नहीं है, तो ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आपको बताते हैं कि इस वेरिएंट में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम रूफ से स्टार्ट करें तो रूफ में यहाँ पर हमें एंटेना नहीं मिल रहा है, या तो जो भी मिल रहा है उसमें फिक्स हो जाएगा जो कंपनी से फिट होता है। लाइक इसमें आपको जो शार्क फिन एंटेना ये नहीं मिलता है। नीचे अगर बात करें तो सीएनजी की बैजिंग आपको यहाँ पर सामने फ्रंट में दिखाई दे जाएगी और जो इसका जो बोनट है ये स्कल्प्टेड है, ये देखिए किस तरह से इसकी क्रीज आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, तो आप देख सकते हो। इसका जो फ्रंट है ये बहुत ही अग्रेसिव टाइप टाटा ने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करें अल्ट्रोस से तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक टच ज़रूर मिल जाता है, जो कि अल्ट्रोस में भी आपको ऐसा ही पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब बात करें अगर इसके फ्रंट ग्रिल की, तो यहाँ पर टाटा का लोगो काफ़ी अच्छे साइज़ में आपको मिल जाता है। साथ में ये जो फ्रंट ग्रिल देख रहे हैं यहाँ पर आपको ग्लॉसी मिलता है पूरा, तो पूरा ब्लैक पैटर्न है और ट्राई एरो पैटर्न ये शो करता है टाटा के लोगो को, तो काफ़ी अच्छा लग जाता है। और यहाँ पर जो गार्निश दी हुई है ये भी आपको क्रोम फिनिश में मिल जाती है और जो कि आपको एक लाइट से दूसरी लाइट तक कनेक्ट होती हुई आती है, तो पूरा बहुत अच्छा पैनल ये शो करता है। हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल हेलोजन लाइट्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर आपको साइड इंडिकेटर भी मिल जाता है। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कोई फॉग लैम्प तो नहीं मिलता है, लेकिन प्रोविज़न आपको ज़रूर दिया जाता है। साथ में जो सराउंडिंग है ये आपको पियानो ब्लैक में मिल जाती है एंड एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर दिया जाता है इस गाड़ी को। और जो इसका जो बम्पर है फ्रंट का, बहुत ही एरोडायनामिक शेप इसको दी गई है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा साइड प्रोफाइल की तरफ और देखेंगे कि गाड़ी को साइड से कि ये गाड़ी कैसी लगती है। तो कुछ ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके लुक्स की, तो ये इसकी लुक है, बहुत अच्छी लगती है एक छोटे सेगमेंट की गाड़ी में, काफ़ी अच्छा मॉडल, इसको लोग पसंद भी करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। चलिए तो बात करें तो यहाँ पर हम इसके ORVMs की बात करेंगे जो कि आपके बॉडी कलर के मिलते हैं इस वेरिएंट में भी, और साइड इंडिकेटर्स भी आपको इस वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर के ही यहाँ पर दिए जाते हैं और ये ब्लू शेड में है। इसका कलर मैं आपको स्क्रीन पे आप नाम देख रहे हैं, एक बारी मैं थोड़ा ड्राइवर साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से ही मिलने वाला है ये देखिए। चलिए अब बात करें इसके व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको बता दूँ इसका जो व्हील साइज़ है ये है R14, यानी कि जो साइज़ है इसका 175/65 R14, 14 इंच के जो व्हील्स हैं ये मिल जाते हैं। व्हील कवर के साथ सिल्वर व्हील कवर है और नीचे जो स्टील व्हील है, क्योंकि तो ये ब्लैक में आपको दिया जाता है। एंड आपको बता दूँ कि ये गुडियर के व्हील्स हैं, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि आप व्हील्स भी बताया करो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल में और देखते हैं कि रियर प्रोफाइल में हमें क्या मिलता है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर यहाँ पर दिया जाता है, काफ़ी अच्छा है, ब्लू तो है ही और स्पोर्टी ब्लैक जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में ये आपको मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप सेंटर में दिया जाता है, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर एंड CNG का स्टिकर आपको बैक में मिल जाता है। कोई वाइपर वॉशर ऐसा और डिफॉगर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। नीचे टाटा का लोगो और टाटा की टियागो की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ, एक लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर मिल जाता है। एंड अगर हम इसकी टेल लाइट की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक शेप है इस गाड़ी में आप देखेंगे, बट यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट्स ही मिलते हैं। बम्पर पर ही आपको यहाँ पर जो पार्किंग सेंसर्स हैं ये मिल जाते हैं बाय सेफ्टी रीजंस, तो ये अच्छा लगता है। बम्पर काफ़ी स्टाइलिश है, ये बोलूँगा डुअल टोन में है, काफ़ी अच्छी लगती है इसकी लुक। एक बार दोबारा देखिए, चाहे आगे हो या पीछे हो, काफ़ी अच्छी लुक इसकी आ जाती है। तो चलिए अब बात करें जब हम पीछे थे तो इसके बूट से ही, और गाड़ी को करते हैं अनलॉक। तो अब इसको करते हैं अनलॉक। यहाँ पर अब आप देखेंगे भाई पीछे ना स्पेस तो ना के बराबर मिलता है, क्योंकि CNG गाड़ी है, टैंक इतना बड़ा आपको मिल जाता है और जो कि 10 किलो का है, बट इसमें 8 किलो तक की जो गैस होती है वो आ जाती है। खैर उसके ऊपर आपको एक पार्शल ट्रे मिल रही है जो कि काफ़ी अच्छी सहूलियत दे देती है जब चीज़ें वो चाहिए होता है। आप चाहें तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस तो मैं नहीं बोलूँगा भाई, स्पेस नहीं है, स्पेयर व्हील आपको अंदर मिल जाता है। और अगर स्पेयर व्हील को आपको निकालना होता है तो वो आगे वाली सीट से आप, मतलब ये सीट जो है इनको आप 100% इसको आप डाउन कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं और अपना स्पेयर व्हील जो है वो निकाल पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे।
चलिए अब चलते हैं गाड़ी की रियर साइड में और अंदर चलते हैं, देखेंगे भाई इसमें हमें इंटीरियर में क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। इसके डोर में हमें क्या क्या मिलता है, पूरी प्लास्टिक की बॉडी यहाँ पर दी जाती है जो कि डुअल टोन में आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएगा जो कि रफ ब्लैक में है। यहाँ पर आपको ट्विटर्स के लिए जो जगह है वो दी जाती है। यहाँ पर बहुत ही प्लेन है, यहाँ पर एक प्लास्टिक ही यूज़ हुआ पड़ा है। एंड पावर विंडो का जो बटन है वो भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर भी अगेन प्लास्टिक ही है। यहाँ पर बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है, एक छोटी बॉटल आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। स्पीकर के लिए भी यहाँ पर आपको जगह दी गई है। और बात करें सीट्स की तो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं जो कि मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। और हेडरेस्ट यहाँ पर आपको फिक्स टाइप मिलता है पीछे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाटा को चाहिए था कि अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल हेडरेस्ट दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ठीक है, हमें जो वेरिएंट में मिल रहा है उसी की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी। चलिए आगे वाली सीट्स मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट करी हुई है, बट यहाँ पर लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे। और आराम से अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा भी है, लगभग 6 फुट के हैं, फिर भी आपको स्पेस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2 लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं और तीसरा आप बीच में बच्चा बिठा सकते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स दोनों साइड में मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा महसूस करेंगे जब आप लॉन्ग रूट्स पे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप इसमें कम कंजेस्टेड फील नहीं करेंगे, ठीक ठाक स्पेस आपको दिया जाता है। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड में, यानी कि ड्राइवर साइड पे हम चलते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर। अगेन आपको यहाँ पर भी प्लास्टिक डुअल टोन में मिलने वाला है। और ORVMs के लिए आपको एडजस्टमेंट्स के लिए यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिल जाएगी। वैसे तो ये नॉर्मली आपको ये मैनुअली ओपन करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट इसको कर पाएंगे। पावर विंडोज़ के लिए यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, वही आपको हैंडल यहाँ पर मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जो पकड़ है ये मिल जाएगी। एक छोटी सी बॉटल ही आप यहाँ पर रख पाएंगे। स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाता है। और बात करें सीट्स की तो जो मैंने आपको बताया था, फैब्रिक सीट्स हैं, ब्लैक सीट्स हैं। और ये आपको यहाँ पर ट्राई एरो पैटर्न अगेन मिल जाता है। स्टिचेस काफ़ी अच्छी लग रही हैं इसमें। थाई सपोर्ट इस सीट पे काफ़ी अच्छा है। सीट मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो एक अच्छे नपे तुले एक मटेरियल से इसको बिल्ड किया गया है। एंड सीट एडजस्टर आपको मैनुअली यहाँ पर दिया जाता है, ये देखिए, तो जैसा ज़्यादातर गाड़ियों में होता है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो रूफ़ है ना, ये थोड़ा सा लाइट कलर में मिल जाता है। नीचे IRVM मैनुअल मिलता है हमें, एंड इस तरफ हमें कोई मिरर नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड में भी मिरर नहीं मिलता है। ग्रैब हैंडल आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है रूफ़ में। तो यहाँ सेंटर में आपको LED लाइट मिल जाती है जो कि वाइट कलर की है, ये भी ठीक रहती है। और मैंने शायद आपको नहीं बताया था, बट इसमें जो हेडरेस्ट है ना ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में, तो ये आपको एडजस्टेबल मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगती है। और डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और प्लास्टिक ही है, हार्ड प्लास्टिक टाटा यूज़ करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का यूज़ करती है टाटा, ठीक है। AC वेंट के ऊपर आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे सेंटर हो या फिर साइड हो। साथ में यहाँ पर आपको कुछ ब्लैक भी मिल जाता है जो कि पियानो ब्लैक में दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर हज़ार्ड लाइट की आपको बटन मिल जाएगा। सिस्टम इंटीग्रेटेड मिलता है हरमन का, टच स्क्रीन सिस्टम नहीं है, इंटीग्रेटेड सिस्टम इस वेरिएंट में आता है, तो मैनुअल आप इसको बोल सकते हो। CNG के लिए बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ अगेन कुछ ग्लॉसी सा ब्लैक मिल जाता है। कुछ कंट्रोल्स मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। हॉर्न भी यहाँ पर आपको दिया जाता है, टाटा का लोगो सेंटर में मिल जाएगा। और बट यहाँ पर आपको कोई कवर नहीं मिलता है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह की शानदार ग्राफिक्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्क्रीन भी मिल जाती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और अगर इसे ग्लव बॉक्स की बात करें तो एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छे स्टाइल में खुलता है स्लोली। एंड यहाँ पर आपको ये काफ़ी स्पेशियस तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है, बहुत कम नहीं है, बहुत सारी गाड़ियों में से कम होता है, बट यहाँ पर अच्छा है। टैबलेट होल्डर के लिए यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया गया है। एक चीज़ और है यहाँ पर, ये देखिए एक हुक दिया हुआ है यहाँ पर। मेरी उंगली ना हर बार इसमें दब जाती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर आप 2 किलो तक का वेट जो है ये डाल सकते हो, कुछ शॉपिंग करते हो, कुछ सामान ऐसा रहता तो आप इसको डाल सकते हो। जैसे दूध वूध आप अगर लेके आते हो तो ये थैलियों में मिलता है कई बार, तो उसको पॉलीथीन में डाल के यहाँ पर आप लटका सकते हो। चलिए अब हम बात करें सेंटर कंसोल की, तो क्योंकि जो सिस्टम मैं आपको दिखा चुका था, सिस्टम के नीचे ही आपको यहाँ पर जो AC है ये मैनुअली AC आपको दिया जाता है। और कुछ बटन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ में आपको USB चार्जिंग पॉइंट यहाँ मिल जाता है, प्लस 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया जाता है। कुछ स्पेस नीचे मिल जाता है, आराम से अपना फ़ोन तो आप यहाँ पर रख सकते हैं।
मैनुअल गाड़ी है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है इसमें। तो यहाँ पर उसका गियर लीवर आप देख सकते हो, ग्लॉसी है ऊपर से, काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे आपको लेदर राइट मिल जाता है, बाकी कोई यहाँ पर फिटमेंट नहीं मिलेगी इस प्लास्टिक में, नॉर्मल ये रहने वाला है। सेंटर कंसोल यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं, छोटे छोटे कैन या फिर जो छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं वो रख सकते हैं। अगेन कुछ स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा, हैंड ब्रेक पर सिल्वर टिप आपको मिल जाएगी, एंड यहाँ पर भी एक बॉटल होल्डर आपको दिया जाता है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। अब अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि CNG को भी सपोर्ट करता है। और अगर इसके पावर की बात करें तो मैक्स पावर इसकी 72.39 BHP की है, जो कि 95 Nm टॉर्क जनरेट करके आपको दे देती है। और अगर इसके माइलेज की बात करूँ तो टाटा यहाँ पर क्लेम करती है कि भाई ये आपको हाईवेज पे 27 के अप्रॉक्स माइलेज है, वो 27 किलोमीटर की माइलेज आपको दे सकती है। और इसका सीधा सीधा मार्केट में जो कंपैरिजन है वो है मारुति की CNG की गाड़ियों से, खासकर वैगनार से। बट ये काफ़ी अच्छा जो अपना जो पोर्टफोलियो है वो बनाए रख रही है, और कहीं ना कहीं मारुति को, क्योंकि उसका एक राज चल रहा था CNG गाड़ियों में, तो उसको भी अब ये बीट करने में लगा हुआ है, उसको कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा दे रही है। मैं इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ऑन रोड प्राइस है इस गाड़ी का, इसके लिए आपको 6,70,000 के अप्रॉक्स पे करना पड़ेगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये ICNG वेरिएंट कैसा लगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएँ, यानी कि मारुति की कोई भी CNG गाड़ी, खासकर वैगनआर, या फिर टाटा की टियागो ICNG, तो आप कौन से वेरिएंट को चूज़ करेंगे और क्यों, तो हमें कमेंट करना बिल्कुल मैंने भूले। और हमारे चैनल कारखाना को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल कारखाना को अभी सब्सक्राइब कर लें।